दोस्तों मिथुन राशि के स्वामी बुध ग्रह हैं, बुध परिवर्तन और संचार के कारक हैं, इसलिए मिथुन राशि के लोगों की भाषा शैली अच्छी होती है। वो हर विषम परिस्थिति में सामना करने के लिए तैयार रहते हैं। इस राशि के जातक बुद्धिजीवी और स्वतंत्र होते हैं, साथ ही ये लोग प्यार और बहुमुखी प्रतिभा के धनी होते हैं। मिथुन राशि के जातक प्रेम संबंधों में कोई भी चुनौती स्वीकार करने के लिए तैयार रहते हैं। दोस्तों मिथुन राशि फल अप्रैल 2023 के अनुसार मिथुन राशि के जातकों को महीने की 15 तारीख के बाद अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। यह समय इनके लिए काफी अच्छा रहेगा क्योंकि 15 तारीख के बाद सूर्य शुक्र और बुध 11वें भाव में अनुकूल स्थिति में विराजमान रहेंगे व शनि व नवम भाव में स्थित रहेंगे, जिसके चलते स्थिति अनुकूल रहेगी। वहीं बृहस्पति व राहु भी 11वें भाव में स्थित हैं, जिसके चलते जातकों को धन लाभ भी होगा। नवम भाव में शनि की स्थिति आपके लिए करियर के क्षेत्र में अच्छे परिणाम देगी, लेकिन प्रथम भाव में मंगल की स्थिति के चलते कार्यस्थल में इन राशि के जातकों को अधिक चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपका अपने YouTube चैनल मेडिटेशन एंड एस्ट्रोलॉजी में। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले अगर चैनल पे नए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय माता दी जय महादेव लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों वीडियो को लाइक तो जरूर कर दें क्योंकि इससे हमारा मोटिवेशन अप रहता है। सबसे पहले बात करते हैं आपके कार्य क्षेत्र की। मासिक राशिफल 2023 के अनुसार इस महीने शनि नवम भाव में स्थित हैं, जो मिथुन राशि वालों के लिए करियर के क्षेत्र में बेहतर परिणाम लाएंगे। वहीं दूसरी प्रमुख ग्रह बृहस्पति 11वें भाव में स्थित हैं, जिसके चलते जातकों को नौकरी में नए अवसर प्राप्त होंगे और जो जातक प्रमोशन की उम्मीद कर रहे हैं उन्हें प्रमोशन मिलने की भी पूरी संभावना है। चंद्र राशि से सूर्य बुध और राहु एकादश भाव में स्थित होंगे, जिसके चलते महीने की 15 तारीख के बाद जातकों को करियर के क्षेत्र में अच्छे परिणाम मिलेंगे। नौकरी में पदोन्नति के साथ साथ विदेश जाने का मौका भी मिल सकता है, जिससे करियर के क्षेत्र में अधिक लाभ मिलेगा। वहीं जो जातक व्यापार कर रहे हैं उन्हें इस महीने की 15 तारीख के बाद अच्छे परिणाम मिलने के योग हैं। व्यापार में अच्छा मुनाफा मिलेगा, व्यवसायियों को साझेदारी या सहयोग से अच्छा धन लाभ प्राप्त होगा। इसके अलावा आप किसी नए व्यवसाय में पैसा लगाने के बारे में भी सोच सकते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं आपकी आर्थिक स्थिति की। मासिक राशि फल 2023 के अनुसार मिथुन राशि के जातकों को अप्रैल में वित्त मामले में यह समय चुनौतीपूर्ण रहेगा। इस महीने मंगल अनुकूल स्थिति में नहीं है। मंगल पहले भाव में होने के कारण पैसों को लेकर तनाव अधिक बढ़ सकता है। वहीं पंचम भाव में केतु की स्थिति आपको आपके स्वास्थ्य पर अधिक खर्च कराने की आवश्यकता होगी। वहीं दोस्तों 22 अप्रैल 2023 से बृहस्पति मेष राशि में गोचर करेंगे और इस तरह बृहस्पति चंद्र राशि से 11वें भाव में गोचर करेंगे। बृहस्पति के गोचर के कारण आपको धन लाभ हो सकता है और आप अपने बचत पर भी ध्यान देंगे। वहीं 11वें भाव में राहु की स्थिति के चलते ये संभावना है कि आपके द्वारा किया गया निवेश वित्त व्यवस्था आपको अच्छा लाभ देगी। वहीं 11वें भाव में राहु के चलते धन की बचत आप सफलतापूर्वक करेंगे। दोस्तों अगर आप घर या वाहन जैसी कोई नई चीज खरीदना चाहते हैं या योजना बना रहे हैं तो समय आपके लिए बेहतर रहेगा। वहीं जो लोग व्यापार क्षेत्र में हैं, उन्हें इस महीने 15 तारीख से पहले थोड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। वहीं इस महीने 15 तारीख के बाद इन जातकों को राहत मिलेगी और अच्छा लाभ प्राप्त होगा और व्यापार में भी अच्छी सफलता मिलेगी। दोस्तों अब बात कर लेते हैं आपके स्वास्थ्य की। अप्रैल मासिक राशिफल के अनुसार इस माह मिथुन राशि वालों को अपने स्वास्थ्य पर विशेष रूप से ध्यान रखने की आवश्यकता होगी, क्योंकि स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से मंगल पहले भाव में स्थित हैं, जो अनुकूल नहीं है, जबकि केतु महाराज पंचम भाव में हैं। ग्रहों की स्थिति के चलते जातकों को स्वास्थ्य में अधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। आपको ऊर्जा की कमी महसूस हो सकती है। जो लोग पहले से बीमार हैं उन्हें पाचन संबंधित कुछ समस्याएं होंगी। तनाव में चलते शरीर में दर्द की शिकायत भी हो सकती है। ऐसे में आपको केवल एक बात का ध्यान रखना है कि आप अपने नियमित योग और व्यायाम को ना छोड़ें और समय समय पर अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। 22 अप्रैल 2023 इन राशि के जातकों को स्वास्थ्य के मामले में सुखद महसूस करवाएगा। दोस्तों अब बात कर लेते हैं आपके प्रेम और वैवाहिक जीवन की। अप्रैल महीने में दोस्तों प्रेम व वैवाहिक जीवन में मिथुन राशि का यह महीना मिला जुला परिणाम देगा। महीने के अंत में मिथुन राशि वालों को प्रेम में काफी सुखद महसूस होगा। आप एक रोमांटिक और भावुक समय का आनंद लेंगे। जो जातक शादी का विचार कर रहे हैं उनके लिए महीना 15 तारीख के बाद विवाह के लिए अच्छे योग बना रहा है। इस महीने
15 तारीख के बाद विवाह के विशेष विचार कर सकते हैं। जातकों को शुभ ग्रह बृहस्पति 11वें भाव में है, जिसके चलते आपको प्रेम की कमी दूर करने की मदद मिलेगी। ये समय शुभ समय होगा। कुछ समय के लिए यानी महीने की 15 तारीख से पहले मंगल प्रतिकूल स्थिति में नहीं है, जिसके चलते प्रेम व वैवाहिक जीवन में माहौल चिड़चिड़ा सा व तनावपूर्ण हो सकता है, लेकिन जल्द ही ये समय बीत जाएगा और आपके जीवन में सुखद जीवन आएगा। दोस्तों अब बात कर लेते हैं अंत में पारिवारिक जीवन की। मिथुन राशि वालों का पारिवारिक जीवन सुकून भरा रहेगा और पारिवारिक जीवन का लुत्फ उठाएंगे। ग्रहों की बात करें तो सूर्य बुध बृहस्पति अनुकूल स्थिति में है, जिसके चलते परिवार के साथ प्यार भरे लम्बे गुजारेंगे। परिवार के साथ बिताया गया वक्त आपके लिए फायदेमंद रहेगा। कुल मिलाकर ग्रहों की अनुकूल स्थिति के चलते पारिवारिक जीवन अच्छा चलेगा। 22 अप्रैल 2023 से बृहस्पति चंद्र राशि में 11वें भाव में गोचर करेंगे, जिसके चलते पारिवारिक जीवन में शांति बनी रहेगी। परिवार के सदस्यों के बीच सुखद संवाद होगा, जिससे परिस्थितियां अच्छी बनेंगी। राहु सूर्य बुध की स्थिति परिवार में सुख शांति कायम करेगी। वहीं 6वें भाव में स्वामी के रूप में पहले भाव में मंगल की स्थिति परिवार में गलतफहमियां पैदा कर सकती है। आपको अपने परिवार के सदस्यों की भावनाओं को आहत करने से बचने के लिए अपने गुस्से को काबू रखना होगा। पहले भाव में मंगल की स्थिति व 4वें भाव पर इसकी दृष्टि परिवार में मतभेद पैदा कर सकती है। कुछ गलतफहमियों के चलते परिवार में वाद विवाद पैदा हो सकता है। ऐसे में दोस्तों आपको खुद पर संयम रखने की जरूरत होगी। 11वें भाव में स्थिति व 5वें भाव में इसकी दृष्टि परिवार की सभी समस्याओं को धीरे धीरे समाप्त कर देगी। अब अंत में बात करते हैं दोस्तों मिथुन राशि के लिए अप्रैल महीने में करने योग्य कुछ उपायों की। दोस्तों प्रतिदिन ओम नमो नारायण मंत्र का 41 बार जाप जरूर करें। बुधवार के दिन श्री लक्ष्मी नारायण जी के हवन यज्ञ करें। प्रतिदिन ओम बुद्धाय नमः का 11 बार जाप जरूर करें। यह आपके लिए बहुत लाभदायक रहेगा। दोस्तों आप खुश रहें, स्वस्थ रहें और सुरक्षित रहें, यही हम कामना करते हैं। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट बॉक्स में जय माता दी जय महादेव लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों वीडियो को लाइक तो जरूर कर दें, क्योंकि वीडियो को लाइक करने से हमारा मोटिवेशन अप रहता है। आपका समय शुभ रहे। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका प्रेम पूर्वक धन्यवाद। जय माता रानी की जय महादेव।